टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर एज ए सिंगल सेमीकंडक्टर हमारी डिवाइस बनाने में यूज नहीं होते। हम जो चीज यूज करते हैं वो है उनका जंक्शन, यानी दोनों का जोड़। दोनों को अगर आपस में जोड़ते हैं, ये जो जंक्शन बनता है, इट हैज गॉट वेरी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देन ए कंडक्टर। तो पीएन जंक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, और उसी से हम इलेक्ट्रॉनिक्स की मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसे बनाते हैं। ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में जैसा इसके नाम से पता लग रहा है, देयर हैज टू बी ए पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड देयर हैज टू बी ए एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके टेक्निकल तरीके आपस में जोड़ने के क्या होते हैं, दैट वी विल नॉट डिस्कस, दैट विल बी इंजीनियरिंग। हम सिर्फ उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिजिक्स का प्रिंसिपल, कि अगर एक पी टाइप और एक एन टाइप को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होता है। देखिए क्या होता है, ये एक पी टाइप है और ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इन दोनों को हमने यहां पर जोड़ दिया। ओके, पी टाइप एन टाइप इनकी कैरेक्टरिस्टिक याद कीजिए। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कंडक्टर कौन है, तो आंसर है होल्स आर दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल्स आर दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन्स आर दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। दीज आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये पी टाइप हो गया। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ये होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नेट चार्ज दोनों का कितना होता है, तो आंसर है हर एक का नेट चार्ज जीरो होता है। These things we have already studied. Okay. जब हमने यहाँ पर दोनों को जोड़ा, जैसे ही दोनों का जंक्शन बनेगा, एक एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। What is that action? ये इलेक्ट्रॉन और ये होल, ये इलेक्ट्रॉन इस होल से अट्रैक्ट होके ये इसमें ऐसे जाना शुरू कर देगा। There is a recombination of electron and hole. There is a recombination of electron and hole. Recombination of electron and hole. ये electron इसके क्या है? Majority charge carriers. और hole इसके क्या है? Majority charge carriers. तो ये majority charge carrier, ये majority charge carrier ऐसे attract होते हैं और एक दूसरे से recombine हो जाते हैं। This is negative, this is positive, so it's very natural. और इनके बीच, they are just adjacent to each other, उनके बीच में resistance नहीं या नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में distance बहुत कम है। Okay, ये हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो यहां क्या बचा, और जब इसका ये recombination हो गया तो यहां क्या बना, तो ये हमारा आंसर है। होल कैसे बना था, एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था तो वो होल बना था, इलेक्ट्रॉन वापस आ गया तो वो वापस एटम बन गया। फिर से एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उससे क्या बना था, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर वहां से हट गया तो उसका चार्ज क्या हो गया, जो कि नेगेटिव चार्ज था, वहां पर कोई चार्ज नहीं बचा, जीरो चार्ज हो गया। तो यहां जब ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो देखिए इस एरिया में यहां से लेकर यहां तक कितने चार्ज पार्टिकल बचे, तो आंसर है चार्ज पार्टिकल नहीं बचे। तो ये सब एटम बन गए जिसका चार्ज जीरो, इसका चार्ज पार्टिकल जो यहां पर थे ये इधर जाके सेटल हो गए, तो इसका चार्ज भी जीरो। तो अब हम अगली चीज क्या देखते हैं, नेक्स्ट ये
इसके बीच में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। सॉरी, ये होल नहीं बनाने हैं, ये मुझे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स। लेकिन ये एरिया को देखिए, यहां पर कितने चार्ज हैं? देयर आर नो चार्जेस, चार्जेस यहां पर कम हो गए हैं, इसलिए इस एरिया को हम कहते हैं डिप्लीशन एरिया। क्या बनाइए? डिप्लीशन एरिया। डिप्लीशन किस चीज का? चार्ज कैरियर्स का डिप्लीशन हो गया है, देयर आर नो चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर क्या काम करते हैं? चार्ज कैरियर कंडक्ट करने का काम करते हैं, करंट को कंडक्ट करते हैं। किस तरह से कंडक्ट करते हैं? मूव करके। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये होल में जाना है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस होल में जाना है तो इतना बड़ा डिस्टेंस इसको पार करना है तो इसको बहुत एनर्जी चाहिए। अब इसके पास अगर उतनी एनर्जी नहीं है तो ये यहां नहीं जाएगा। जैसे इतना सा हमने बीच में एक गैप रखा है, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि इस रेसिस्टेंस को पार करके इधर चले जाए, लेकिन अगर ये गैप बहुत ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी नहीं होती है कि एक बड़ा डिस्टेंस पार करके जा सके, सो दे कैन नॉट गो, द रेजिस्टेंस हैज इंक्रीज। जब ये ऐसा पहले वाले ने पहले को, दूसरे वाले ने दूसरे को ऐसा कर करके ये आपस में रिकम्बाइन होते चले गए और इस जगह से चार्ज कैरियर खत्म होते चले गए, तो यहाँ चार्ज कैरियर डिप्लीट हो गए। चार्ज कैरियर डिप्लीट होने से कंडक्टिविटी कम हो गई और फाइनली ये होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए इधर जंप करना मुश्किल हो गया, सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जाने बंद हो गए। इस तरह से ये जो इनका डिफ्यूजन हो रहा था वो बंद हो गया, ये करंट फ्लो हुई, थोड़ी देर बाद ये करंट बंद हो गए। करंट बंद होने के बाद हमने क्या देखा? यहां क्या बन गया? डिप्लीशन एरिया। दूसरी चीज हमने ये देखी कि ये इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब यहां पर इतनी सी जगह में ये वाला जो एन टाइप है, इसके पास पहले इसका चार्ज कितना था? नेट चार्ज जीरो। इसका भी नेट चार्ज कितना था? जीरो। अब इसमें से ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस जगह पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? जिस जगह का चार्ज जीरो है उस जीरो में से माइनस वन निकल गया, तो वहां क्या बचा? प्लस वन। तो इसलिए यहां पर क्या चार्ज डेवलप हो गया? प्लस 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 प्लस। इस बाउंड्री के आसपास प्लस चार्ज डेवलप हो गया। अब देखिए इसको, इसका भी क्यू कितना था? पी टाइप का, जीरो। यहां से यहां तक पी टाइप था, जीरो चार्ज था। इसकी बाउंड्री के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया तो कैसा चार्ज लेके आया? माइनस। तो ये माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, इस तरह से बहुत से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। तो ये जो पी टाइप हमारा सेमीकंडक्टर यहां तक था, इसमें इस लोकेशन पर कौन से चार्ज इकट्ठे हो गए हैं? माइनस। ये इसका ओरिजिनल बॉर्डर है, इधर प्लस चार्जेस डेवलप हो गए और यहां पर माइनस चार्ज डेवलप हो गए। पी टाइप एंड ओके। तो पी टाइप में कौन से चार्जेस डेवलप हो जाते हैं? निगेटिव। और एन टाइप में कौन से हो जाते हैं? पॉजिटिव। अच्छा, कहां पर? जंक्शन के अक्रॉस। अब ये चार्जेस जो डेवलप होते हैं, अगर यहां प्लस चार्ज है, यहां माइनस चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा प्लस से माइनस की तरफ। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा डेवलप हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस।
ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस वी. ओके, तो इस तरह से यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ. ये प्लस है, ये माइनस है, इस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, ऐसा इसकी डायरेक्शन. अच्छा, अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस के साथ कैसे बिहेव करता है? तो आंसर है चार्जेस को एनर्जी मिलती है पोटेंशियल डिफरेंस से और वो मूव करते हैं. किधर से किधर मूव करते हैं? प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ मूव करते हैं. कौन से चार्ज प्लस से माइनस की तरफ मूव करते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज प्लस वोल्टेज से माइनस वोल्टेज की तरफ मूव करते हैं. ये हमने इलेक्ट्रिक में पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में. ओके, तो यहां पर पॉजिटिव चार्जेस इधर से इधर मूव कर सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस इधर से इधर मूव नहीं करेंगे. नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मूव करते हैं? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नेगेटिव ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये किसको सपोर्ट करता है चलने के लिए? आंसर है पॉजिटिव चार्ज को इधर जाने के लिए सपोर्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को इधर जाने के लिए सपोर्ट करेगा, उनको ताकत देगा ऐसे चलने के लिए. लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं? ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसके पास कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स. ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको यहां जाना है इससे रिकम्बाइन होने के लिए इस प्लस से. तो इलेक्ट्रॉन ऐसा जाना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा पड़ता है, ये उनको अलाउ नहीं करता. तो इतना पोटेंशियल क्रॉस करके ये यहां नहीं जा सकते, क्योंकि ये उल्टा पोटेंशियल है. उसी तरह से ये कौन से चार्ज है? प्लस होल. ये चार्ज माइनस की तरफ यहां जाना चाहता है, लेकिन ये पोटेंशियल चार्ज को किधर जाना अलाउ करता है? इस तरफ, प्लस से माइनस की तरफ. और यहां पर प्लस जो है ऐसा उल्टा नहीं जा सकता. फिर से इधर ध्यान दीजिए, एक बैटरी है, इस बैटरी के साथ हमने यहां लगाई प्लेट प्लस और ये है माइनस. अब यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको किधर जाना अलाउड है और किधर जाना नहीं अलाउड है? तो आंसर है इसको लेफ्ट राइट की तरफ जाना अलाउड है, क्योंकि ये प्लस से माइनस ऐसे जाएंगे. इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाता है. ये तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल उल्टा है. ये बात समझ में आ रही है? यही चीज यहां पर डेवलप हुई है. तो यहां पर ये एक पोटेंशियल उल्टा है. अगर इस प्लस को यहां जाना है तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. कितनी एनर्जी चाहिए? जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस है. अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 0.6 वोल्ट डेवलप हुआ है, तो इसको 0.6 वोल्ट से ज्यादा एनर्जी चाहिए, तब ये यहां जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा. ओके, तो यहां का प्लस पोटेंशियल इस लेवल का पोटेंशियल है, माइनस इससे कम इस लेवल का पोटेंशियल है. ये यहां माइनस और ये वाला प्लस, हम हाइट से ग्राफ बना रहे हैं और हाइट को क्या दिखाते हैं? पोटेंशियल. 0 वोल्ट, -3 वोल्ट, 0 वोल्ट, +3 वोल्ट, 0 वोल्ट. तो ये है 0 वोल्ट, +0.3, 0, -0.3. तो ये दोनों लेवल, ये लेवल किसका दिखा रहा है? इसका. और ये लेवल किसका दिखाता है? इसका वोल्टेज. ओके, तो इन दोनों के बीच में हम देखते हैं ये एक डिफरेंस पैदा हुआ. अगर किसी चार्ज को यहां से यहां जाना है तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि वोल्टेज क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो अगर किसी को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाना है तो उतना वर्क उसको करना पड़ेगा. इसका मतलब उसके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए. अब अगर इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है तो ये नहीं जाता, ये यहीं खड़ा रहता. इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन के पास भी उतनी एनर्जी नहीं है, वो भी यहां खड़ा रहता है. तो ये जो एनर्जी का कैलकुलेशन है,
यहां से यहां तक ये एक दीवार बना हुआ है, इस दीवार के ऊपर से कोई कूदेगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा, उतना चार्ज उसको चाहिए, इसलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। सो व्हाट इज ए पोटेंशियल बैरियर? द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन N type and P type charges because of which the majority charge carrier cannot intermix further. और आगे पहले जितने हो गए सो हो गए, जैसे ये होते जाते हैं ये potential बढ़ते जाता है, एक फिर ये potential इतना हो जाता है कि ये इसको jump नहीं कर पाते, ठीक है? अब ये jump नहीं कर पाते तो ये यहां खड़ा, ये situation आती। Okay, तो शुरू में जब हमने इसको जोड़ा, एक करंट हमने देखी फ्लो हुई थी, ये माइनस टू प्लस, माइनस ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ऐसी करंट फ्लो हुई, प्लस टू माइनस। ओके, अब दूसरी चीज, जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस बनता है दोनों के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे ध्यान दीजिए, इसका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? माइनस, इसका प्लस। इस प्लस को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाना अलाउड है कि नहीं? अलाउड है, प्लस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकता है और माइनस अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकता है। तो ये माइनस इधर जाता है बड़े आराम से, ये वोल्टेज इसको सपोर्ट करती है, क्योंकि हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है, माइनस टू प्लस, इतनी एनर्जी उसको मिलती है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस है, ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन आराम से इधर जाता है, जाके इसके साथ रिकम्बाइन हो जाता है, ये माइनस इधर जाता है, इसके साथ रिकम्बाइन हो जाता है। इस तरह से इसमें करंट फ्लो हुई, इस करंट के, ये किसके कारण करंट फ्लो हुई? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। पहली जो करंट फ्लो हुई थी डिफ्यूजन करंट, वो किसके कारण थी? ये नेबरहुड आने के कारण। वो किसने बनाई थी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ने ये यहां रिकॉम्बिनेशन करके ये सारे चार्जेस इधर आए, दैट वाज वन डिफ्यूजन करंट, किसके, किसकी बनाई हुई? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। उसके कारण दो चीजें डेवलप हुई, डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर। ये डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर जब क्रिएट हुआ तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ने इसका फायदा उठाया। उसने क्या फायदा उठाया? कि उसको तो बड़ा सपोर्टिंग वोल्टेज मिल गया उसकी डायरेक्शन में, तो ये माइनस सब इसके कारण ऐसे गए और जाकर इससे रिकम्बाइन होते चले। उससे क्या हुआ कि ये जो बॉर्डर बना, इस बॉर्डर के आसपास माइनॉरिटी चार्जेस खत्म, एक और माइनॉरिटी वाली करंट फ्लो हुई और ये माइनॉरिटी चार्जेस खत्म हो गए। ये दो करंट फ्लो होती है जैसे ही हम जंक्शन बनाते हैं। ओके, ये जो दोनों करंट फ्लो हुई इसके कारण यहां पर लास्ट में जाके हमको क्या सीन मिलता है? देयर इज ए डिप्लीशन लेयर जिसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है, देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस which is known as potential barrier, N में plus बनता है और P में minus बनता है। What happens because of this? The majority charge carriers cannot cross this. एक तो इसका resistance ज्यादा है और दूसरा इसमें potential difference उल्टी direction का पैदा हुआ। इसका फायदा कौन उठाते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से इधर बड़े आराम से जा सकते हैं। हाँ, इतनी दूर वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर इतना चल चल के नहीं आ सकते, द रेसिस्टेंस इज लार्ज और इनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती। तो ठीक है, किनारे किनारे में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमको मिलते हैं, पर इसके नजदीक में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं दे जस्ट गो अक्रॉस दिस एंड कंबाइन, वो इसमें से जा सकते हैं। तो जो ये डिप्लीशन लेयर बनी, डिप्लीशन एरिया बना, इस डिप्लीशन एरिया को कौन क्रॉस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है? तो आंसर है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस कर सकते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसी समय इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहां पर सब यूज्ड अप हो जाते हैं। एनीवे,
तो ये इसका सीन बना डिप्लीशन लेयर, ये बन गया पीएन जंक्शन। तो लास्ट में जब हमको पीएन जंक्शन मिला तो ये काम करने के लिए हमको कोई बैटरी नहीं लगानी पड़ी, कोई सेल नहीं लगाना पड़ा, और इस तरह से ये पीएन जंक्शन हमको मिलता है। इस पीएन जंक्शन में ये बीच में एक लेयर बनी हुई है, दिस डिप्लीशन लेयर, दिस इज पी, दिस इज एन। पी के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और एन के पास ये नेगेटिव, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, माइनॉरिटी वाले ऑलरेडी इधर जाके रिकम्बाइन हो चुके। ये पीएन जंक्शन ये हमको इस तरह से मिला। ओके, तो ये पीएन जंक्शन का अब हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है, ये किस तरह से बिहेव कर। पीएन जंक्शन का बिहेवियर देखने के लिए हम इसमें एक सेल या बैटरी इसके साथ कनेक्ट करेंगे। सेल या बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इसको हम एक ईएमएफ देते हैं, एक वोल्टेज इसके अक्रॉस लगाते हैं। इसको जब हम वोल्टेज लगाते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बायसिंग। हम इसकी क्या कर रहे हैं, बायसिंग। बायसिंग मीन्स उसको प्री डिटरमाइंड वोल्टेज देना। हमको मालूम रहता है कि सेल का प्लस किधर है और माइनस किधर है, तो वो पहले प्री डिटरमाइंड वोल्टेज हम इसको देते हैं, इसलिए इसको बायसिंग कहते हैं। बायस मीन्स पहले से कोई चीज की डायरेक्शन फिक्स कर लेगा। ओके, तो इसकी बायसिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ बायसिंग, सेल जोड़ने के दो तरीके हैं। वन इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग एंड अदर इज रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड बायसिंग में हम इसको पी एन, वी विल कनेक्ट इट दिस वे, बैटरी का प्लस पी के साथ और बैटरी का माइनस एन के साथ। दिस कनेक्शन इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। और इसको अगर हम उल्टा कर दें, आइदर इसको उल्टा कर दे या इसको उल्टा कर दे, तो ये ऐसा हो जाएगा। दिस इज नाउ एन टाइप एंड दिस इज पी टाइप, और बैटरी हमने इसको उल्टा किया, पीएन जंक्शन को, बैटरी को वैसा ही रखा, प्लस एंड माइनस। तो ये कौन से बायसिंग हो गई, रिवर्स बायसिंग, एंड दिस इज नाउ फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, दैट्स ऑल। तो ये जब भी हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे इसका बिहेवियर बिल्कुल अलग तरह से हो जाएगा। वी विल स्टडी नाउ कि इसका बिहेवियर किस तरह से होगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग शब्द कहां यूज करने हैं, इस तरह से कनेक्शन में हमने इसको यूज करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं दोनों पर कि क्या क्या इफेक्ट होता है। फॉरवर्ड बायसिंग जब हमने की तो फॉरवर्ड बायसिंग में इधर प्लस लगाया और इधर माइनस लगाया, इसके बीच में एक डिप्लीशन लेयर बना हुआ है, ये डिप्लीशन लेयर बना। डिप्लीशन लेयर बना है और पी के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्लस है, इसके पास नेगेटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस चार्जेस सेल के इस प्लस को सबको रिपेल करते हैं, ये सब इनको रिपेल करते हैं, तो ये इस तरफ खिसकते हैं, ये माइनस इसको रिपेल करते हैं तो ये माइनस इस तरफ खिसकते हैं, ये दोनों ऐसे दबते हैं। अगर ये दोनों ऐसा दबेंगे तो क्या होगा, इनके दबने से ये जो डिप्लीशन लेयर है ये श्रिंक होते जाती है, डिप्लीशन लेयर श्रिंक होते जाती है, श्रिंक होते जाती मतलब छोटी होते जाएगी। ओके, तो ये यहां पर इसको लगाने के बाद ये वाली लेयर पतली हो जाती है,
ये हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद हमने देखा कि ये लेयर ऐसी है, ये जो इतनी चौड़ी थी ये पतली हो गई। क्यों पतली हो गई? ये प्लस ने ये सारे प्लस को रिपेल किया, माइनस ने इन सब को रिपेल किया, तो ये इस तरह से पतली हो गई। ओके, इसमें पहले एक वोल्टेज डेवलप हुई थी, ये हाई वोल्टेज ये लो वोल्टेज, देयर वॉज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेयर्स। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था इसकी डायरेक्शन कैसी थी? इस तरफ। ओके, हमने अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया उसकी डायरेक्शन कैसी है? इस तरफ उल्टी। तो यहां पर नेट पोटेंशियल कितना बना? आंसर है दोनों का डिफरेंस। अगर हमने यहां इसको जब बनाया, इसकी ऐसा वोल्टेज बन गया 1.1, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस 1.1, बैटरी से हमने पोटेंशियल लगा दिया 0.5 इस डायरेक्शन में। अब हमने यहां नापा तो हमको कितना मिलेगा? 0.6, क्योंकि ये कितना था? 1.1 इस डायरेक्शन में, हमने इधर का लगा दिया 0.5, तो रिजल्ट क्या मिलेगा इस डायरेक्शन में? 0.6। फिर हमने क्या किया, ये जो 0.5 था इसको 0.7 कर दिया, अब हमको इधर का रिजल्ट मिलेगा कितना? 0.4। फिर हमने इसको बढ़ा के 1.1 कर दिया, ये भी 1.1, ये भी 1.1, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहां शो कर रहे हैं? इससे बैरियर से। बैरियर क्या होता है? इस चार्ज को यहां जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए? 1.1। हमने ये वाला फॉरवर्ड बायस लगाया 0.5, तो ये पोटेंशियल बैरियर कितना बच गया? 0.6। अब हमको पॉजिटिव चार्ज को कितनी एनर्जी देनी है? 0.6। जब हमने इसको 0.7 किया तो ये कितना बच गया? 0.4। तो इसको सिर्फ कितनी एनर्जी चाहिए? 0.4। जब हमने इसको 1.1 कर दिया तो 1.1 इसने एनर्जी दी, ये 1.1 उल्टा हुआ, तो नेट पोटेंशियल क्या आ गया? 0। अब इसको इधर जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 0, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। दोनों का लेवल कैसा हो गया? एक समान। अगर ये लेवल एक समान हो गया तो क्या होगा? इफ चार्ज डिजायर टू गो, तो चार्ज वहां जा सकता है। ये सारे पॉजिटिव चार्ज इधर जा सकते हैं, निगेटिव चार्जेस इधर आ सकते हैं, देयर इज नो पोटेंशियल देयर। उसके बाद हमने और पढ़ाया, इधर वाले को 2 वोल्ट कर दिया, ये अभी भी 1.1 ही था, और इधर कितना बना? 2.1। तो अब ये 1 ज्यादा हो गया, ये 1 वोल्ट ज्यादा हो गया। नाउ दिस विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर, जिसमें हमने इधर से 1 वोल्ट लगाया हुआ है, बीच में कोई बैरियर नहीं है, ये कोई भी इसमें डिप्लीशन लेयर नहीं है, इट हैज बिकम ए कंडक्टर, और बड़े आराम से उसमें करंट फ्लो होने शुरू हो जाता है। सो इट कन्वर्ट्स टू ए कंडक्टर अलाउइंग करंट टू फ्लो। वो कब होगा? इसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर, वोल्टेज बैरियर, ये वोल्टेज बैरियर कब हो गया? क्योंकि हमने इधर से कुछ वोल्टेज लगाई, इस वोल्टेज को हमने और बढ़ाया। इस वोल्टेज को जब हम और बढ़ाते हैं तो क्या होता है? ये पोटेंशियल बैरियर खत्म। जब ये खत्म हो गया तो क्या होगा? ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ दौड़ के आ जाएंगे, प्लस माइनस, माइनस प्लस। अब कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं है, डिप्लीशन लेयर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, यहां से यहां जंप करेगा, फिर यहां जंप करेगा और बैटरी के प्लस में आ जाएगा। इस तरह से ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? बैटरी के प्लस में चले जाते हैं, ये प्लस, और बैटरी के माइनस से दूसरे इलेक्ट्रॉन निकल के इनकी जगह ले लेते हैं। These are replaced by electrons from here, and all these electrons hopping करके यहाँ आ जाते हैं। So electron goes on moving like this, and current flows in this direction.
इस तरह से इसमें करंट फ्लो होनी शुरू हो गई और ये सब क्या करते हैं, ये सब उस करंट में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि ये सब कौन है, चार्ज कैरियर्स। तो यहां पर हमको करंट मिलने लगती है, दिस करंट इज एन ई ए वी डी एंड व्हाट इज दिस एन, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इतने हमको मिल गए, ठीक है। इस तरह से इन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो होने शुरू हो जाती है, देयर इज नो अपोजिंग पोटेंशियल एंड देयर इज नो डिप्लीशन लेयर बिटवीन देम। ये किसमें हुआ, फॉरवर्ड बायसिंग, ये और ये, और यहां पर ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक ए कंडक्टर, ये समझ आया। तो फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन क्या बन जाता है, कंडक्टर। उसके लिए हमको कितनी वोल्टेज लगानी पड़ती है, बायसिंग कितनी वोल्टेज लगानी पड़ती है, जितना उसका पोटेंशियल बैरियर है वो, पहले पोटेंशियल बैरियर टूटेगा, कम होते होते पोटेंशियल बैरियर टूटेगा, उसके बाद ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर, एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल वोल्टेज, हम जैसे स्विच ऑन करते हैं पोटेंशियल बैरियर टूट जाता है, ओके, एंड इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर। तो हमने एक सीधा प्रिंसिपल याद कर लिया, इन फॉरवर्ड बायस द पीएन जंक्शन एक्ट लाइक ए कंडक्टर, ओके। अब हम देखते हैं रिवर्स बायसिंग में क्या होता है। रिवर्स बायसिंग में यहां पर हमने दिया प्लस और ये सब है माइनस, ये प्लस पी टाइप, ये माइनस की प्लेट इन सब को अट्रैक्ट करती है और ये प्लस की प्लेट इस सब माइनस को अट्रैक्ट करती है, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करती है इस तरफ, ये प्लस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ, तो इसकी विड्थ बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलता है, नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलता है ये S, ये क्या हो गया, विड्थ इसकी इंक्रीज हो गई, सो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज, और वी कैन से द डिप्लीशन लेयर वाइडन्स। अगर ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ गई तो रेसिस्टेंस का क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ गया, ये क्योंकि यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, सो यहां के चार्ज को यहां जाना है, यहां के चार्ज को अगर यहां जाना है, सो इतना बड़ा बिना चार्ज का एरिया, बिना कैरियर का एरिया, इट विल कैरी लॉट ऑफ रेसिस्टेंस और इसको बहुत एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी चाहिए, ये किससे रिफ्लेक्ट होता है, पोटेंशियल बैरियर बहुत इंक्रीज हो जाता है। देखिए कैसे ये पोटेंशियल बैरियर बना हुआ था और ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये वाली जो लाइन मैंने खींची है, दिस हैज गॉट अ स्लोप, स्लोप, इस स्लोप को हम कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां पर था, ये ऐसा पोटेंशियल ग्रेडियंट था यहां पर, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट वही रहता है लेकिन इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, तो चौड़ाई बढ़ने से क्या होगा, देखिए ये पोटेंशियल बैरियर इतना ऊंचा था, अब पोटेंशियल बैरियर इतना ऊंचा हो गया, ये इतना ऊंचा, ये कम ऊंचा था, ये ज्यादा, क्यों, चौड़ाई बढ़ गई, अगर ये चौड़ाई और बढ़ जाएगी तो ये और इधर आ जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा और ये हाइट बढ़ते चली जाएगी, इसलिए जब भी डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है क्या चीज नहीं चेंज होती, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट वही रहता है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट बढ़ते जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ग्रेडियंट रिमेन सेम, ग्रेडियंट सेम,
barrier height increase. Okay, sorry. अगर ऐसा हो जाता है तो यहां पर हमने ना बैटरी लगाई हुई है प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इस माइनस से इलेक्ट्रॉन ऐसा जाना चाहते हैं, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। कैसे? पी में क्या बनता है? माइनस। एम में क्या बनता है? प्लस। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा डेवलप हुआ? ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसलिए ये इधर नहीं जा सकता। प्लस को कैसा चलना होता है? प्लस को चलना होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा। ये डायरेक्शन प्लस की है, लेकिन इसको जाना इधर है, तो ये कैसा पड़ रहा है? उल्टा। इसलिए ये भी इधर नहीं जा सकता, और इसी को हमने ग्राफ में दिखाया है यहां पर कि पोटेंशियल बैरियर बहुत ऊंचा हो गया, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए जाने के लिए, उतनी एनर्जी नहीं है तो ये नहीं जाता, एक भी चार्ज नहीं जाता। अब अगर ये चार्ज यहां से नहीं जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ने के कारण, पोटेंशियल बैरियर बढ़ने के कारण अगर चार्ज नहीं जाएगा, तो जिस चीज में से चार्ज नहीं जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर की इंसुलेटर। इंसुलेटर तो ये कैसा बिहेव कर रहा है? इंसुलेटर। सो दिस बिहेव लाइक ए इंसुलेटर, बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। ये रिवर्स बायस में ऐसा हो जाता है। अब फिर से दोनों को थोड़ा कंपेयर करके देखिए, जब हम फॉरवर्ड बायस बनाते हैं तो डिफ्यूजन लेयर पतली होती गई खत्म हो गया, ये कंडक्टर बन गया, पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया, एंड इट इज बिहेविंग लाइक ए कंडक्टर। रिवर्स बायस में डिफ्यूजन लेयर चौड़ी हो गई, रेसिस्टेंस बढ़ता गया, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता चला गया, ये पोटेंशियल बैरियर छोटा बन गया, उससे प्लस इधर है ऐसे और माइनस इधर है ऐसे, एंड दिस इज पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर और हाई हो गया तो प्लस चार्जेस इधर नहीं जा सकते, माइनस इधर नहीं जा सकते, इसलिए ये कैसे बिहेव करता है? इट बिहेव्स लाइक इंसुलेशन। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने याद कर ली। फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन कैसा काम करेगा? कंडक्टर, इट विल अलाउ करंट टू पास। रिवर्स बायस में कैसा काम करेगा? इंसुलेटर, इट विल नॉट अलाउ करंट टू पास। दोनों में जब हम करंट की बात करते हैं तो ये करंट कौन बनाता है? आंसर है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। दोनों में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट बनाते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थोड़े से तो होते हैं, वो क्या करते हैं? तो आंसर है फॉरवर्ड बायसिंग में तो वो शुरू में ही डिफ्यूज हो गए थे, जैसे ही यहां पोटेंशियल बैरियर बना था ये, तो ये इधर जाके ऑलरेडी रिजॉइन करके ये यहां से खत्म हो गए थे। तो फॉरवर्ड बायसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कोई रोल नहीं है। हाँ, ये वाला जब बनता है रिवर्स बायस में इसके पास क्या है? प्लस। इसके पास माइनस। रिवर्स बायस में ये वोल्टेज बड़ी अच्छी बनी है, पोटेंशियल बैरियर बहुत डेवलप हुआ, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है प्लस, और इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? माइनस। ये इलेक्ट्रॉन इधर बड़े आराम से आ सकता है, क्यों? क्योंकि उसको पोटेंशियल की डायरेक्शन सूट करती है। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है? माइनस टू प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, बड़े आराम से इधर आता है इस प्लस के साथ, फिर दूसरे प्लस के साथ,
फिर इस प्लस से आके बैटरी में चला जाता है। ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसा इधर आ जाता है तो यहाँ एक पॉजिटिव डेवलप होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके इसको कंपनसेट कर देता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, ये यहाँ आया और इधर से ऐसे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने शुरू हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, करंट कैसी फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। अब वो करंट चलती रहेगी या बंद हो जाएगी, तो इसका आंसर है करंट चलती रहेगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन यहां से ये आया, रिकम्बाइन हुआ, यहां से ये दूसरे होल में जंप करके आया, यहां से इसमें जंप करके आया और यहां से कहां चला गया, बैटरी। ये यहां से जब आता है तो इसके पास नेट चार्ज क्या डेवलप हुआ, प्लस। इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इसका नेट चार्ज क्या हुआ, प्लस। जैसे ही प्लस डेवलप होता है ये किसके साथ कनेक्ट है, बैटरी के माइनस के साथ, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा देता है। वो इलेक्ट्रॉन यहां आता है, इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया, ऐसे हॉप हॉप करते हुए यहां आ गया, फिर ये इसके पास आया और यहां आ गया। तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली चलते जाता है। इसका ये मतलब है कि ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, इसको चलने के लिए कोई रोक टोक नहीं। कौन से बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में ये करंट फ्लो हो सकती है, फिर भी हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। क्यों? इसलिए कि ये करंट कौन बना रहे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कितने होते हैं, बहुत कम। अगर 10 लाख मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं तो 10 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो वो अगर करंट बना भी लेगा तो कितनी करंट बना लेगा, 10 बना लेगा, 10 लाख के मुकाबले। सो दैट करंट इज वेरी वेरी स्मॉल करंट। तो अगर फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में बनती है तो रिवर्स करंट उस जगह पर माइक्रो एम्पियर में बनेगी, उससे 1000 टाइम्स लेस बनती, दैट इज नेग्लिजिबल। अगर हम उसको नेग्लिजिबल कर दें, नेग्लिजिबल मान लें, तो हम क्या मानेंगे, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर करंट फ्लो नहीं हो रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। तो अब जब भी हम बोलेंगे कि पीएन जंक्शन डज नॉट अलाउ करंट, इसका मतलब हम किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, द स्मॉल रिवर्स बायस करंट, उसको हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि रिवर्स बायस फ्लो नहीं होती, होती है, होती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, सो वी कैन ट्रीट इट एज गुड एज जीरो। ठीक है, तो जब हमको उसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज करेंगे, वो हमको बहुत जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन जब भी हम उसको कंपेयर करेंगे मेजॉरिटी के साथ तो उसकी क्वांटिटी क्या मानी जाएगी, नेग्लिजिबल। ये वाली जो करंट फ्लो होती है ये कौन सी बायसिंग में हो रही है, रिवर्स बायसिंग में, और कौन बना रहे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बना रहे हैं, इसलिए इस करंट का हमने नाम दिया रिवर्स करंट, रिवर्स करंट। ठीक है, तो रिवर्स करंट क्यों पड़ा इसका नाम, बिकॉज बायसिंग कौन सी है अभी, रिवर्स। तो रिवर्स बायसिंग में ये करंट फ्लो होती है। एक चीज इसको देखकर बताइए कि ये करंट प्लस टू माइनस फ्लो होती है कि माइनस टू प्लस फ्लो होती है। रिवर्स बायसिंग, रिवर्स शब्द सुनके हमको लगता है कि उसको उल्टा कर देते हैं, माइनस टू प्लस। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये यहां से ऐसे गए और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन किधर मानी जाएगी, ऐसे, ये रिवर्स। अगर करंट की डायरेक्शन इधर है तो बैटरी का प्लस यहां है, बैटरी का माइनस यहां है, करंट बैटरी के प्लस से बैटरी के माइनस में जा रहा है, तो करंट तो सीधी ही जाएगी। तो याद रखिए करंट हमेशा बैटरी के प्लस से बैटरी के माइनस ही जाएगी, भले फॉरवर्ड बायसिंग हो भले रिवर्स बायसिंग हो। तो नाम हमने रिवर्स क्यों दिया, क्योंकि उस समय हमने बायसिंग रिवर्स दी है, इसलिए करंट का नाम हमने रिवर्स करंट रखा। ठीक है,
ठीक है, और हमको ये भी याद रहेगा कि वो कौन से चार्जेस बनाते हैं, माइनर, तो इसलिए वो करंट बहुत कम होती है। तो ये पीएन जंक्शन का बिहेवियर है। अब इस बिहेवियर को और क्लियरली देखने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, और उस ग्राफ में ये वाली वोल्टेज, इस वोल्टेज को नापते हैं वी, और इसमें जो करंट फ्लो होती है उसको नापते हैं आई, वी और आई, इसका ग्राफ बनाएंगे। यहां पर भी हमने यहां जो लगाया वोल्टेज, इसका वी, यहां वोल्ट मीटर लगाया और इसको नापा, और यहां पर एम्पियर मीटर लगाया, इसकी करंट को नापा। इसमें हमको कौन सी करंट दिखने वाली है, रिवर्स करंट दिखने वाली है, जो कि बहुत कम होती है। एनीवे दोनों के जो हम ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ का हमने नाम दिया कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब दोनों में हम वोल्टेज दे रहे हैं, दोनों कैसा कैरेक्टर दिखाते हैं। एक उस वोल्टेज के बदले में एक तरह की करंट प्रोड्यूस करता है, दूसरा उस वोल्टेज के सामने दूसरे तरह की करंट प्रोड्यूस करता है, दैट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो ग्राफ को ही हम कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। और अब आप देखिए दोनों के कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक बनाना ये आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी है, तो कैरेक्टरिस्टिक बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन को हम लोग शॉर्ट में डायोड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जिसका काम करता है उसको हम लोग पहले डायोड कहा करते थे। वॉल्व सिस्टम होते थे और उसमें एक साइड करंट जाती थी, एक तरफ नहीं जाती थी। अब हम उस वॉल्व सिस्टम को नहीं पढ़ते, ठीक है, उतना टाइम नहीं होता। सो वी डायरेक्टली गो फॉर दिस पीएन जंक्शन। इसको एग्जिबिट करने के लिए हमने एक सिंबल बनाया, एंड दैट सिंबल इज दिस। ये इसके दो जंक्शन हैं। तीर क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, करंट की डायरेक्शन इधर होती है, करंट की डायरेक्शन किधर होती है, पी से एन की तरफ। तो ये वाला जो प्लेट है, ये वाली प्लेट, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, पी को, और इधर से करंट आएगी तो ये सामने क्या करेगा, रोकेगा, यानी इधर से करंट अलाउड नहीं है। ये कौन है, एम, ये पी और ये एम, ये बन गया पीएन जंक्शन, ठीक है। करंट किधर से किधर फ्लो होती है, पी से एम की तरफ करंट फ्लो होती है। ये इसका सिंबल है। कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां पर एक वेरिएबल बैटरी लगा देंगे रियोस्टेट के साथ इस तरह से, और इसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर यहां पर, एम्पियर मीटर लगा देंगे, बस। एम्पियर मीटर बहुत छोटे रेंज का रहेगा, विद इन से इट विल बी मिली एम्पियर्स, मिली एम्पियर्स, और ये जो वोल्टेज है, दिस ऑल्सो विल बी वेरी स्मॉल वोल्टेज, वी नीड हार्डली अप टू 2 वोल्ट। तो अगर 2 वोल्ट का मिलेगा तो अच्छा है, नहीं तो 5 वोल्ट का। ओके, सो दिस वी नीड 0 to 2 और 0 to 5। इसको वेरिएबल करेंगे और इसका हम ग्राफ देखेंगे, वोल्टेज करंट। ये वोल्टेज का हमने यहां पर स्केल बनाया, दिस इज 1 वोल्ट एंड दिस इज 2 वोल्ट। इस 1 वोल्ट के भी हमने हिस्से कर लिए, 0.5 1.5। ओके, अब इसमें वोल्टेज हमने इंक्रीज करनी शुरू की और करंट को टेबुलेट करना शुरू किया। हमने एक टेबल बनाया और इस टेबल में लिखा दिस वोल्टेज एंड करंट, 0 वोल्ट 0 करंट, 0.1 0.2 0.3 0.4, ऐसा करके हम बनाते चले गए और सामने करंट देखते चले गए। तो इसमें हम क्या देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, कि 0 है तो 0, 0.1 है तो भी 0, अब भी 0, अब भी 0, अब भी 0। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता कि आप वोल्टेज बढ़ाइए करंट बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा होता जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा,
साथ ही साथ हम पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ये उल्टी वोल्टेज यहाँ बनी हुई है, ये इस वोल्टेज की डायरेक्शन कैसी है, प्लस टू माइनस, एज उल्टी वोल्टेज, और ये जो हम लगा रहे हैं अप्लाइड वोल्टेज, ये ऐसे, ये अप्लाइड है, ये इसके अंदर डेवलप्ड वोल्टेज है। तो करंट फ्लो किसके कारण होगी, रिजल्टेंट वोल्टेज के कारण, और ये अगर वोल्टेज 0.6 है सिलिकॉन के केस में या जर्मेनियम के केस में ये 0.6 है, तो इधर से जब 0.1 जाएगी तब भी उल्टी वोल्टेज है 0.5, करंट फ्लो नहीं होगी। ये हमने 0.2 कर दी तो ये नेट कितनी बची 0.4, तब भी करंट फ्लो नहीं होगी। करंट कब फ्लो होगी, जब इधर से इधर कुछ ना कुछ वोल्टेज बनेगी, प्लस से माइनस। वो वोल्टेज कब बननी शुरू होगी, तो पहले तो इस वोल्टेज को, अप्लाई वोल्टेज को, इसको कैंसिल करना है, पूरा जीरो बनाना। जीरो कब बनाएगा, जब इसके बराबर ये वोल्टेज लगाएगा। तो ये हमने देखा सिलिकॉन के केस में, ये वोल्टेज को हम बढ़ाते चले गए, करंट नहीं बढ़ती है, जीरो 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 ऐसा जीरो जीरो चलते चली गई। फिर जब हम यहां पहुंचते हैं एक पर्टिकुलर वोल्टेज के पास, तो ये करंट ऐसे बढ़ने शुरू होती है, ये ऐसे, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बनता है। ये कौन सी जगह है, समझ आ रही है, डिप्लीशन लेयर यहां पर क्या हो गया, जीरो। उसके बाद ये क्या बन गया, कंडक्टर। अब वोल्टेज को बढ़ाइए, करंट बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ाइए, करंट बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ाइए, करंट बढ़ती है, दिस फॉलोज ओम्स लॉ, ठीक है। जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाती है, ये वोल्टेज कहलाती है पीक वोल्टेज। नी वोल्टेज, तो इस नी वोल्टेज पर करंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये करंट मिली एम्पीयर्स में होती है, ये है कैरेक्टरिस्टिक फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। शुरू में करंट जीरो और बाद में करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स। अब हम आते हैं रिवर्स बायसिंग पे। रिवर्स बायसिंग पर ये हमने सर्किट बनाया और करंट ऐसा ही टेबल बनाना शुरू किया, और टेबल बनाकर इसका ग्राफ बनाया। इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे, रिवर्स बायस है तो हम ये कहते हैं कि वोल्टेज हम इसमें नेगेटिव लगा रहे हैं, करंट भी है इसमें नेगेटिव आएगी, दिस इज आई, दिस इज वी। तो ये ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बनता है, क्योंकि यहां वोल्टेज कैसी है, माइनस, यहां करंट कैसी है, माइनस। तो रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट, ये वाले क्वाड्रेंट जीरो। इसको हमको थोड़ी सी हाई वोल्टेज देनी पड़ती है, क्योंकि लो वोल्टेज पर तो कोई करंट दिखाता ही नहीं, हाई वोल्टेज थोड़ी सी लगाते हैं हम, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, इस तरह से, ये 1, 2, 3, 4, 5 5 वोल्ट, ओके। इसकी जो करंट है ये हम देते हैं माइक्रो एम्पियर्स, ओके। तो ये करंट शुरू से ही बढ़नी शुरू हो जाती है। इसमें क्या था, इतनी दूर तक कोई करंट नहीं, यहां हमने अप्लाई किया, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया करंट बढ़नी शुरू हो गई, ऐसे बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई। लेकिन थोड़ा बढ़ने के बाद में हमने क्या देखा कि हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट नहीं बढ़ती, फिर वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट उतनी ही रहती, ये इतनी, फिर वोल्टेज बढ़ाते हैं फिर करंट इतनी ही रहती है। तो ये एक लेवल करंट का जो आ गया, उससे ज्यादा वो करंट नहीं बनती है। तो ये जितनी करंट आई इसको हम बोलेंगे इसकी सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, ठीक है। ये इसका बिहेवियर होता है। तो शुरू में बढ़ना, बाद में इंक्रीज होना, बंद।
इसमें क्या होता है, शुरू में नो इंक्रीज है, बाद में इंक्रीज होती है। अच्छा, ये सैचुरेशन करंट बनती है। सैचुरेशन करंट का रीजन क्या होता है, क्यों करंट बढ़नी बंद हो जाती है, जबकि शुरू में तो ओम्स लॉ से अच्छी खासी बढ़ रही थी, वोल्टेज बढ़ाते थे तो बढ़ती थी, फिर कांस्टेंट हो गई। क्यों कांस्टेंट हो गई? हाँ, तो इसका आंसर है कि जो माइनॉरिटी चार्जेस होते हैं उसका नंबर लिमिटेड होता है, 10 लाख में 10,000, 1,000। तो जब हमने करंट फ्लो करानी शुरू की, I इज इक्वल टू NaVd, ये 10,000 है, यहां पर हमने चलाया, 1,000 यूज हुआ, 2,000 यूज हुआ, 5,000 यूज हो गया, 10,000 यूज हो गया। अब हमने और वोल्टेज बढ़ाई, और वोल्टेज बढ़ाई, उसने तो अपनी ताकत बढ़ाई, पर उधर और इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास यही कितने 10,000 आ गए। अब हमने 10 वोल्ट लगाया तो भी 10,000, 5 वोल्ट लगाया तो भी 10,000, इसलिए करंट नहीं इंक्रीज होती। सो दैट मेक्स द करंट फुल, उससे ऊपर करंट जा ही नहीं सकती, वो फुल करंट होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। सो दिस इज सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट की कैरेक्टरिस्टिक देखिए, अगर हमारा वोल्टेज 2 है तो करंट कितनी है, मान लो 5 माइक्रो एम्पियर, 2 वोल्ट में 5 माइक्रो एम्पियर, 3 वोल्ट में 5 माइक्रो एम्पियर, 7 वोल्ट में 5 माइक्रो एम्पियर। अगर हमको एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें करंट एक जैसी रहनी चाहिए, वोल्टेज जो भी आए करंट हमको एक जैसी ही चाहिए, तो हम कौन सा सर्किट यूज करना पसंद करेंगे, रिवर्स बायस, क्योंकि रिवर्स बायस में वोल्टेज कुछ भी हो जाए करंट कैसी रहेगी, सेम रहेगी। दिस इज एडवांटेज ऑफ रिवर्स बायस। ये सैचुरेटेड वोल्टेज का एक बेनिफिट है कि वोल्टेज हमारी चेंज होगी तब ही करंट चेंज नहीं होगी। तो जहां ऐसा फीचर चाहिए वहां पर रिवर्स बायस यूज करेंगे। यहां पर देखिए, वोल्टेज बढ़ाइए करंट बढ़ गई, वोल्टेज बढ़ाइए करंट बढ़ गई, ये तो ये वोल्टेज से करंट इफेक्ट होती है, ये करंट वोल्टेज से इफेक्ट नहीं होती है, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। ये करंट बहुत कम होती है, कैसे, माइक्रो एम्पियर, लेकिन अगर हम चाहें तो इस करंट को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R। अगर हम इस V को बढ़ा दें तो करंट बढ़ जाए। तो अगर हम रिवर्स बायस में बड़ी बैटरी लगाते हैं, 1.5 वोल्ट की जगह 15 वोल्ट की बैटरी लगा दें, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, तो क्या होगा, द करंट विल इंक्रीज, करंट विल इंक्रीज। जैसे 2 वोल्ट में अगर वो करंट आ रही थी, 2 वोल्ट में जितनी करंट आ रही थी, 20 वोल्ट में उससे ज्यादा करंट। तो इस तरह से हम उसकी करंट को अगर फ्लो कराना चाहते हैं तो बैटरी हम इसमें, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, रिवर्स बायस में वोल्टेज का डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, ओके। तो ये जो करंट सैचुरेट बनती है, सैचुरेट बनने के लिए यहां से यहां तक आने के लिए हमको इतनी वोल्टेज चाहिए, इतनी वोल्टेज चाहिए। अगर हम इसकी जगह 0.1, 0.2, 0.3 लगाएंगे तो ये रहा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और ये करंट बढ़ते जा रही है। अगर हमको सैचुरेट वोल्टेज चाहिए, सैचुरेट करंट चाहिए, तो कम से कम इतनी वोल्टेज देनी पड़ेगी। दिस वोल्टेज इज हायर देन दिस वोल्टेज, क्योंकि ये सब वोल्टेज कैसी है, ये 0.5 और 1 उसके अंदर ही है। ये सैचुरेट होती है 2 वोल्ट पे जाकर। तो अगर हम इसमें 1 वोल्ट की बैटरी लगा दें, 1.5 की बैटरी लगा दें, तो फॉरवर्ड करंट हमको मिलेगी कि नहीं, 1.5 में फॉरवर्ड करंट फर्स्ट क्लास मिलेगी, मिलती है। यहां हमने 1.5 लगा दिया तो 1.5 यहां तक आया, क्या हमको सैचुरेशन करंट मिली, नहीं मिली।
तो अगर सैचुरेशन करंट चाहिए तो हमको कम से कम उतनी बड़ी बैटरी लगानी चाहिए कि वो बैटरी की वोल्टेज इतनी ज्यादा हो कि वो काम पहुंचा दे सैचुरेशन, उसके बाद वोल्टेज इंक्रीज होगी तो कोई फर्क नहीं। अब अंतर समझ में आया? तो दोनों में अगर ये पूछा जाए कि छोटी बैटरी आप कहां लगाएंगे और बड़ी बैटरी कहां लगाएंगे, तो छोटी बैटरी फॉरवर्ड बायसिंग में काम आएगी और बड़ी बैटरी रिवर्स बायसिंग में काम आएगी। बड़ी बैटरी के बिना छोटी बैटरी में रिवर्स करंट यहां 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 बस उतनी ही हम ला पाएंगे। जब इतनी वोल्टेज होगी तो ये काम आएगी। मान लो ये वोल्टेज है 4 वोल्ट, तो वहां तो करंट चालू हो जाती है 1 वोल्ट पे, और यहां सैचुरेट कब होती है 4 वोल्ट में। अगर यहां हमने 1 वोल्ट लगाया तो सैचुरेशन नहीं मिलेगी। इसलिए रिवर्स बायस में हमेशा कैसी बैटरी लगाई जाती है, हाई वोल्टेज बैटरी लगाई जाती है, ये ध्यान रखिए। तो रिवर्स बायस में वी यूज हाई वोल्टेज बैटरी एंड इन दिस वी यूज लो वोल्टेज बैटरी। ओके, तो ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखेंगे इस तरह के होंगे, ठीक है। तो ये अगर हमने इसकी जगह दूसरा पीएन जंक्शन लिया जिसकी कंडक्टिविटी डिफरेंट है तो उसकी सैचुरेशन करंट भी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अगर उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी कैसे बनती है, माइनॉरिटी चार्जेस से। उसके एक हमने लिया उसमें माइनॉरिटी चार्जेस 10 लाख के सामने 10,000 है, दूसरा लिया उसमें माइनॉरिटी चार्जेस 10 लाख के सामने 20,000 है, तो इसकी सैचुरेशन करंट ज्यादा हो जाएगी 20,000 के मुकाबले में। वो सैचुरेशन करंट ऐसे बन सकती है, तो हमको इतनी वोल्टेज चाहिए इसलिए हम बड़ी बैटरी लगाते हैं कि इतनी बैटरी इतनी वोल्टेज होगी तो सैचुरेशन आ पाएगा। ओके, लेकिन ये सैचुरेशन करंट ज्यादा क्यों है, ये दूसरा डायोड है, ये वाला डायोड नहीं है, दूसरा डायोड है जिसकी क्या चीज अलग है, कंडक्टिविटी। क्या अलग है? कंडक्टिविटी। तो ये सैचुरेशन करंट, इसकी कंडक्टिविटी कम है, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। दिस इज C1 कंडक्टिविटी, दिस इज C2, ठीक है। तो जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी सैचुरेशन करंट भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये है इसके फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ठीक है। ओके, अब पीएन जंक्शन को हम किस तरह से यूज करते हैं, उसके क्या एप्लीकेशन होते हैं, तो इससे हम बहुत ज्यादा इसके एप्लीकेशन है हमारे पास। इसका मेजर, सबसे मेजर एप्लीकेशन है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यानी वोल्टेज को कम करना, सॉरी कम करना नहीं, कम करना तो ट्रांसफॉर्मर का काम है, वोल्टेज को एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, दैट इज रेक्टिफायर, ठीक है। और ये हम लोग अपने हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए यूज करते हैं, वेदर इट इज मोबाइल, वेदर इट इज कंप्यूटर और कोई भी चीज, हर एक के लिए हम एक रेक्टिफायर यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट नाउ वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास।